अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी अखनी मटन बिरयानी। 1 kg मटन, 1 kg राइस, 250 ग्राम ऑनियन, 250 ग्राम टमाटो, 250 ग्राम ऑयल, हरा धना थोड़ा सा, पुदीना थोड़ा सा, हरी मिर्च 4, 100 ग्राम जिंजर और गार्लिक, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 लेमन, थोड़ा सा कलर, 50 ग्राम दही, दालचीनी के पट्टे 4, लौंग 10, इलायची 10। चलो अब पकाने चले। आप कुकर एक रख दीजिए और ऑयल डाल दीजिए। अब ये गरम मसाले डाल दीजिए, ऑनियन डाल दीजिए, लहसुन का पेस्ट, और इसे दोनों को अच्छा भून लीजिए। टमाटो डाल दीजिए और टमाटो अच्छा कस लीजिए, एक एक गल जाए तक। मिर्ची डाल दीजिए और मटन डालिए आपके अनुसार, साल्ट आपके अनुसार, लेमन डाल दीजिए और दही डाल दीजिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट धनिया और पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा पानी डाल के कुकर मूज दीजिए। ओके, 2-3 विजिल आने दीजिए आपका गोश्त गले तक। आपके चावल भिगने डाल दीजिए और भिगो दीजिए, तब जब तक के गोश्त गल जाएगा ये भीग जाएंगे। आपके चावलों को पानी रख दीजिए और नमक आपके मुताबिक डाल दीजिए, आपके टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए नमक, और थोड़ा सा कलर डाल दीजिए, लाल कलर डाल दीजिए बस। ये आप चूल्हा स्टार्ट कर दीजिए और ये पकने छोड़ दीजिए, उसके बाद चावल डाल देंगे हम, उबाल लाए तो चावल डाल देंगे। जो ये अखनी हो जाएगी 1-3 सीटी में, उसके बाद ये चावल हम डाल देंगे और चावल कच्चे पके उठाएंगे। मैं बताऊंगी आपको कैसे चावल उठाना चाहिए। पानी का उबाल आ चुका है, अब चावल डाल देंगे, थोड़े थोड़े करके चावल डाल दीजिए, और ये पानी के उबाल में ये आधे गल जाना चाहिए। मैं बताऊंगी कैसे होना चाहिए। एक मर्तबा आप ऐसे हला दीजिए, उसके बाद ना हलाना की है, और चावल पकने बाद मैं बताऊंगी कैसे मिलाना चाहिए। और ऐसे कच्चे पके हो जाएंगे ना, उस टाइम पे चावल को पानी से निकाल दीजिए। और तवा रख दीजिए और सिम में रख दीजिए, जब तक ये तवा मॉडरेट गरम ना हो जाए। ये गरम हो गया तो इसके ऊपर आप दम दे दीजिए और मिक्स कर दीजिए, चावल और अखनी दोनों को मिक्स कर दीजिए। और दम दे दीजिए, 1 प्लेट मुझ दीजिए, और इसके ऊपर जो पानी आपने निकाला था ना चावलों के साथ गर्म पानी, ये इसका नाम है, या जो गर्म पानी आपने उबाल लेने चावल से निकाल दिए ना, वो पानी आप इसके ऊपर रख दीजिए, और ये आप खुद ही से ऊपर दम हो जाएंगे चावल, और नीचे से नीचे के फ्लेम में लेयर के साथ, ये नीचे के फ्लेम के लेयर के साथ नीचे दम हो जाएगा। 10 मिनट के लिए दम होने रख दीजिए, और ऊपर कुछ चीजें वजन रख दीजिए। अब ऐसे थोड़ा करके ऐसे फिल्टा दीजिए, फिर भी बोलती थे, और ऊपर का चावल है ना जो ऊपर से नीचे कर दीजिए। ऑलमोस्ट रेडी अखनी बिरयानी, आप टेस्ट करके बताइए कैसी है। मटन बिरयानी रेडी।